नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की फटाफट प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ जीरो पॉवर्टी अभियान, हर गांव में चिन्हित किए जाएंगे सबसे निर्धन 10 से 25 परिवार। आईआईटी कानपुर की ओर से विकसित किए गए मुंह परीक्षक के उपकरण, शुरुआती चरण में ही मुंह के कैंसर की जानकारी मिल सकेगी। यह उपकरण दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगा, इससे एक मिनट के भीतर मुंह की जांच कर ओरल कैंसर की जानकारी मिल सकेगी। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से आसपास के 5 घर जमींदोज हो गए। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे में 3 लोग लापता हैं। यूपी में सड़कों के गड्ढे न भरे जाने पर पीडब्ल्यूडी के 2 एई को सस्पेंड कर दिया गया है। यह दोनों एई वहां के निर्माण खंड 3 के कार्यरत हैं। डिलीवरी बॉय हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने बाराबंकी कोर्ट में किया सरेंडर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया बयान, 69,000 शिक्षक भर्ती में दूर होनी चाहिए आरक्षण में अनियमितता। अखिलेश यादव ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन, बोले लद्दाख का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे सरकार। सीएम योगी ने राष्ट्रपिता को याद कर अर्पित की पुष्पांजलि, चरखा चलाया और स्वच्छता अभियान में लिया भाग। बीएचयू में ट्रामा सेंटर में लहराया पिस्टल, 4 आरोपी छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 16 पर एफआईआर।